नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के थाना सिवली क्षेत्र के भीकर नौबस्ता गांव का बीते दिन का है, जहां गांव के ही एक परिवार के 5 ग्रामीण एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी अचानक गांव के बाहर घात लगाकर पहले से ही बैठे एक दर्जन दबंग ने पुरानी रंजिश को मानते हुए रात का फायदा उठाकर सभी ग्रामीणों पर लाठी डंडे धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस हमले में एक ग्रामीण का हाथ भी टूट गया और 2 ग्रामीणों पर धारदार हथियार के हमले से सर भी फट गए। पीड़ित ग्रामीण ने जब इस मामले की सिवली थाने में जाकर पुलिस को सूचना की तो पुलिस ने पीड़ित ग्रामीणों पर ही आरोप लगाते हुए एक तरफा कार्रवाई कर दी। जब इससे मन नहीं भरा तो जबरन घायल अवस्था में पीड़ित को थाने में 2 दिनों तक बिठाए रखा और पुलिस ने पीड़ित घायलों पर जमकर थाने में पिटाई की। इसके बाद शांति भंग के आरोप में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 151 में चालान भी कर दिया, जिससे ग्रामीण में पुलिस के प्रति आक्रोश पनप गया है। न्याय संगत पर पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। पीड़ित ग्रामीण ने न्याय की आस पर आज पुलिस अधीक्षक को लिखित तहरीर दी है, जिसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई का केवल आश्वासन दिया गया है। अब देखना यह है कि इस मामले को पुलिस कितना संज्ञान लेती है और क्या कुछ ठोस कार्रवाई करती है या फिर नहीं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पाल, नौबस्ता थाना सिवली कानपुर देहात। आज कहाँ पर आए आप? आज SP ऑफिस आए हैं। क्या मामला है? अप्लीकेशन देना था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई भैया। क्या घटना घटी? 27 तारीख को हम गए थे निमंत्रण में और ब्रह्मदेव के स्थान पर झगड़ा हुआ, इसलिए जो है हम लोगों को रास्ते में घेर कर उन लोगों ने जो है लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। कौन लोगों? माना क्या नाम उनके? धर्मेंद्र, रिंकू, विकास, शिवम और काग रहने वाले ये लोग, इन अवस्था के रहने वाले हैं। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? ये 3-4 आदमियों को बहुत मारा है। 3 आदमी, एक आदमी के हाथ टूटा है, 2 आदमी के सर फूटे हैं, 1 आदमी के हाथ चोट है बहुत गई। आसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई के लिए? ये अप्लीकेशन रख करके कहा कि ठीक है जाओ, तुम्हारी सुनवाई होगी। आप क्या चाहते कार्रवाई में? हम ये चाहते हैं भैया कि हमारा जो है उचित एक हमारा ग्रास केस बनना चाहिए, हमें भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। क्या आप लोगों को चोटें भी आई हैं? हाँ, चोटें आई भैया, बहुत तेजी से ना, एक आदमी सर फटा है बीचों बीच और एक आदमी का हाथ टूटा है बाया, और ये जो है हमारे भी चोट लगी, हमारे भी बाएं हाथ में चोट है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। किस गांव रहने वाले हो? नौबस्ता। आज कहाँ पर आए हो? तहसील आए। क्या मामला हुआ है? झगड़ा हो गया। किन लोगों ने मारा आपको? यही लोगों ने मारा साहब, सब लोग। कहाँ के लोग थे? गांव के लोग। गांव के। किस बात को लेकर मारा आपको? ब्रह्मदेव के स्थान पर झगड़ा हुआ था, निमंत्रण में जा रहे थे, वहाँ गए थे मारा। चोटे भी आई आपको? हाथ भी टूट गया, 2 आदमी का सर भी फट गया। या हाथ में एक्सरे लिए ऊपर करिए इसको। अब आप क्या चाहते कार्रवाई में? साहब मतलब फैसला हो जाओ, क्रास केस बन जाओ। क्या नाम है आपका? राम। किस गांव में रहने वाले हो? नौबस्ता के। आज कहां पर आए आप? माती। क्या मामला हुआ है? लड़ाई का हुआ है। कौन लोगों ने मारा आपको? राजेंद्र ने। कितने लोग थे? अरे थे 12-13 लोग। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? ब्रह्मदेव का स्थान था सर, वहाँ पर लड़ाई थी, हुई थी, वहाँ पे क्या काम करो, हम लोग जाते हैं, हम लोगों को धमकी देते हैं। आपको चोटें भी आई? जी सर। आपने पुलिस में कहीं शिकायत की है? जी सर। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? थाने में गए सर, तो वहाँ पे कांगड़ा हमको पकड़ के बैठा लिया गया और वहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई कानून नहीं सुनी, और इसके बाद कांगड़ा हमको न्याय चाहिए।